साथियों, पिछले वीडियो में हमने NROER और CGOER के विषय में जाना। इस NROER प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध विभिन्न विषयों के डिजिटल कंटेंट्स को तो आपने देखा ही है। इन कंटेंट्स को एनिमेशन, सिमुलेशन, वीडियो, इमेजेस, इन सब की सहायता से बनाया गया है। तो क्या आप भी इस प्रकार के डिजिटल कंटेंट्स बनाकर इस प्लेटफॉर्म पर अपना योगदान देना चाहते हैं? आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको NROER का मेंबर बनना होगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी। अगर मुझे भी इस NROER का मेंबर बनना है तो मुझे भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो चलिए देखते हैं ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसे होगी। सबसे पहले आपको इंटरनेट पर एक ब्राउज़र ओपन करना है, जैसे यहाँ पर मैंने गूगल ब्राउज़र ओपन करके रखा है। अब इस URL में आपको http://nroer.gov.in टाइप करना है। अब एंटर बटन पर प्रेस करिए। तो साथियों, ये है आपका NROER का प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म में आप देख सकते हैं टॉप पर राइट साइड में लॉगिन ऑप्शन है, उस लॉगिन ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्योंकि आप न्यू यूज़र हैं और NROER में आपका कोई अकाउंट नहीं है, तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ये नीचे जो ऑप्शन दिया है, इफ़ यू डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर्ड योरसेल्फ नाउ पर क्लिक करना है। अब इस स्क्रीन पर यहाँ पर आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको ईमेल आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड पूछा गया है। अगर आपका ईमेल आईडी नहीं है तो सबसे पहले आपको आपका ईमेल आईडी बनाना होगा। जैसे मेरा ईमेल आईडी बना हुआ है तो यहाँ मैं अपना ईमेल आईडी टाइप करूँगी। मेरा ईमेल आईडी है kalyani.pawar897@gmail.com। अब आपको यूज़र नेम पूछा गया है। साथियों, जब भी आप यूज़र नेम बनाएं, इसे यूनिक रखें ताकि कोई रिपीटेशन ना हो। यूज़र नेम लिखने के बाद अगर आपकी स्क्रीन पर आपको मैसेज दिखाई देता है कि इट इज़ ऑलरेडी इन यूज़, तो बिल्कुल परेशान ना हो, बल्कि उसे चेंज कर नया यूज़र नेम बना लीजिए। जैसे मेरा यूज़र नेम मैं यहाँ टाइप कर रही हूँ, kalyani.pawar897। अब हमें पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आप दिए गए निर्देशानुसार रखेंगे। जैसे यहाँ बोला गया है कि जब भी आप पासवर्ड बनाएं उसमें कम से कम एक कैरेक्टर्स हो। एक कैपिटल लेटर आप उसमें रख सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आप पासवर्ड में रख सकते हैं। तो मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर दिया है। उस पासवर्ड को फिर से आपको डालना है ताकि कन्फर्मेशन हो जाए कि आपने जो पासवर्ड ऊपर डाला है वही पासवर्ड है। इसके बाद आपको ऑक्यूपेशन पूछा गया है, मतलब आप जिस भी कार्य क्षेत्र से संबंधित हो उसे यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे मैं डाल रही हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, तो मैं टीचर ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगी। अब ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप जिस संस्था से संबंधित है उसे आप यहाँ पर टाइप करिए। मेरी संस्था गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तोरला अभनपुर है।